आईसीसी वर्ल्ड कप में 27 जून को भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 125 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के बाद कैप्टन विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर आलोचकों की बोलती बंद कर दी। अफगानिस्तान के खिलाफ धोनी ने काफी धीमी बल्लेबाजी की थी और वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उन्होंने शुरू में काफी धीमी बल्लेबाजी की थी, जिसको लेकर वो आलोचकों के निशाने पर थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के बाद विराट ने आलोचकों को कराना जवाब दिया। विराट से धोनी के बारे में जब पूछा गया, उन्होंने कहा धोनी को पता होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। जब भी उनका कोई एक दिन खराब जाता है, लोग उनको लेकर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। हम हमेशा उनका साथ देते हैं, उन्होंने हमें कई मैच जिताए हैं। धोनी जैसे खिलाड़ियों की बेस्ट बात यह है कि उन्हें पता है कि 15-20 रन कब और कहां से निकालने हैं। उनका अनुभव 10 में से 8 बार हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है। कुछ ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऐसा क्रिकेट खेलते हैं और अपना गेम प्लान फॉलो करते हैं। विराट ने आगे कहा कि उन्हें खेल के बारे में सब कुछ पता होता है, हमें हमेशा वो फीडबैक देते हैं। उन्होंने कहा था कि 260 अच्छा स्कोर होगा इस विकेट पर। वो महान खिलाड़ी हैं और हम सब इस बात को जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि वो ऐसे ही रहें। पिछले 2 मैचों में चीजें वैसी नहीं हुई जैसी हमने सोची थी। दोनों मैच हाई स्कोरिंग नहीं रहे, लेकिन हमने जीत दर्ज की। कुछ भी असंभव नहीं है। हमें लगता है कि हम किसी भी कॉन्सिक्वेंस में जीत सकते हैं। धोनी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 71 गेंद पर नॉट आउट 56 रनों की पारी खेली। भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बनाए। वेस्टइंडीज की पूरी पारी 34.2 ओवर में 143 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 4 विकेट झटके। 82 गेंद पर 72 रन बनाने वाले विराट कोहली मैन ऑफ द मैच रहे।